हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा त्रिपाठी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हम पहला पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझिए आप, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये किसी भी सरफेस, प्लेन सरफेस पर रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। यदि आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर आप इसे मूव कराना चाहेंगे तो ये मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनर्शिया जो है इसकी मोशन, इस इनर्शिया जो है इसका अपोज करेगी। किस में? इसको मोशन मिलाने के लिए। अगर इसको आप मोशन मिलाना चाहते हैं तो ये मोशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया जो है इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जो होगी वो उसका अपोज करेगी, कि ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव ना करे। ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे। देखिए डिफिनेशन क्या होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, देखते हैं। द इनएबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज बाई इट्स सेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक और एग्जाम्पल ले देते हैं। फर्स्ट सपोज यू आर स्टैंडिंग इन अ बस। आप किसी भी बस में खड़े हुए हैं, मान लीजिए, विच इज़ नॉट मूविंग, जो कि मूव नहीं कर रहा है। वो मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो रेस्ट के स्टेट में है। व्हेन ड्राइवर सडनली स्टार्ट द बस। बस का ड्राइवर क्या करता है? अचानक से उस बस को स्टार्ट करता है। You get thrown backward with a jerk. This reason is that because of inertia. You tend to remain in this state of rest even when the bus has started moving. उसमें क्या होगा? अब वो बस जो थी वो पहले रेस्ट के स्टेट में खड़ी थी, अब ड्राइवर ने अचानक से उस बस को स्टार्ट कर दिया तो वो क्या होगी, वो बस क्या होगी, वो मोशन में आ जाएगी। लेकिन मोशन में आने की वजह से जो इनर्शिया है वो अपोज करेगी उस बस को। उसमें बैठने वाले कोई भी पर्सन हो या जो भी होगी, उस बस पे जो फोर्स लग रहा है उस पे इनर्शिया क्या करेगी, उसका अपोज करेगी। क्यों अपोज करेगी? क्योंकि वो चाहेगी कि जो बस अगर रुकी हुई है रेस्ट स्टेट में है तो रेस्ट ही में रहे, वो आगे की तरफ मूव ना करे। सेकेंड पढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन हम ऐसे समझते हैं, इसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक किसी भी सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर रखा हुआ है, तो इस पे मान लीजिए आप इस ऑब्जेक्ट को कोई भी फोर्स लगाकर या ऐसे ही सिंपली आगे की तरफ आप मूव कराते हैं और ये ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूस किस में रहेगी, मोशन में ही रहेगी। अगर इस ऑब्जेक्ट को आप इसको रेस्ट स्टेट में रखना चाहेंगे तो ये रेस्ट में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इनर्शिया जो है इसकी मोशन में जो है, ये जो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट आगे की तरफ, इसको क्या करेगी, इसका अपोज करेगी कि ये रेस्ट में ना आए। अगर ये मोशन कर रही है तो ये कॉन्टिन्यूस आगे लगातार आगे की तरफ मूव किया करे, मोशन करती रहे। पढ़ते हैं डेफिनेशन। द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज बाय इट्सेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब वही हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहे, मोशन में, सॉरी, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन मूव कर रही है या मोशन कर रही है आगे की तरफ तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे, वो रेस्ट में ना रहे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनर्शिया जो होती है वो उसका अपोज करती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन ही कॉन्टिन्यूस मोशन में ही रहे, वो रेस्ट में ना आए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, व्हेन यू आर स्टैंडिंग इनसाइड अ मूविंग ट्रेन, आप किसी भी चलते हुए ट्रेन के किनारे खड़े हुए हैं, एंड अ ड्राइवर सडनली स्टॉप द ट्रेन By applying emergency brake. Emergency brake, driver क्या करता है, ट्रेन का जो ड्राइवर है वो अचानक से क्या करता है, emergency brake लगा देता है ट्रेन पर।
देन योर बॉडी इज थ्रोन फॉरवर्ड विद अ जर्क, आपकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ धक्का खा के, आप आगे की तरफ थोड़ा सा धक्का खाते ना जब ट्रेन अचानक से, ट्रेन में अगर ट्रेन ड्राइवर अगर उस पर ब्रेक लगा दे, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ट्रेन जो है वो क्या थी, वो कंटिन्यूस मूव कर रही थी, तो इनर्शिया यही चाहेगी कि अगर वो मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो कंटिन्यूस मोशन में ही रहे, वो रेस्ट में ना आए। इसलिए इनर्शिया जो होगी, अगर उसको आप रेस्ट में लाना चाहेंगे, तो इनर्शिया जो है उसका अपोज करेगी। और थर्ड हम पढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टू चेंज बाय इट्सेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूस टू मूव अलोंग द सेम डायरेक्शन लाइन अनलेस फोर्स बाय सम एक्सटर्नल फोर्स पावर टू चेंज इट। जैसे मान लीजिए आपका ये एक फुटबॉल है, प्लेन सरफेस पे रखा है, ये जो है ये इधर राइट हैंड राइट साइड की तरफ यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, तो इसकी डायरेक्शन किधर है, राइट साइड की तरफ। यदि आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहेंगे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनर्शिया जो होगी वो इसकी डायरेक्शन में जो चेंज आप लाना चाहते हैं उसके लिए इनर्शिया इस ऑब्जेक्ट पर क्या करेगी, इसका अपोज करेगी कि इसके डायरेक्शन में कोई चेंज ना आए। कि अगर राइट साइड चल रही है तो राइट साइड ही चले, ना कि लेफ्ट साइड मूव करे, ना कि अपवर्ड ना कि डाउनवर्ड। यदि राइट साइड चल रही है तो राइट साइड ही चले, ये लेफ्ट साइड ना चले, इनर्शिया इसको अपोज करेगी इसके डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, इन अ मडी रोड, कोई कीचड़दार रोड है, द मूविंग व्हील्स ऑफ एनी व्हीकल्स, कोई भी साइकिल जैसे मान लीजिए या कोई भी गाड़ी चल रही है उस रोड पर, थ्रू अवे द मड पार्टिकल्स स्टिकिंग टू द व्हील्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जब आप मान लीजिए कोई रोड है, कोई मड्डी रोड है, उस कीचड़दार रोड है, उस पर आप अगर साइकिल चला रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो वहीं पर रोक देगा, और उस व्हीकल में जो टायर में उसमें कीचड़ उचड़ लग जाएंगे, स्टिकिंग मतलब चिपक जाएंगे उस पर, और वो जो है क्या करेगा, उस अगर आप डायरेक्शन को चेंज करना चाहेंगे उस व्हीकल से, व्हीकल का, तो वो डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देगा। इनर्शिया क्या करेगा, उस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए अपोज करेगा कि डायरेक्शन चेंज ना हो। जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, मान लीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप यू मूव कर रहे हैं, तो आप फॉरवर्ड में ही मूव करें। यदि आप उसको लेफ्ट या राइट मूव कराना चाहते हैं, तो वो लेफ्ट और राइट नहीं मूव करने देगा। कौन? इनर्शिया नहीं करने देगा, क्योंकि इनर्शिया जो है वो डायरेक्शन का क्या करेगा, अपोज करेगा कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहिए, फॉरवर्ड में ही मूव करिए, लेफ्ट और राइट साइड मूव ना करें। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियोज़।